السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا मोहतरम सामईन कराम, कुरान करीम की सूरह हज़ाब की दो आयतों की तिलावत मैंने की। आइए देखते हैं इन आयतों के अंदर अल्लाह ने क्या बयान फरमाया। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा, ऐ नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, मुबशिर बनाकर भेजा है, नजीर बनाकर भेजा है, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और ऐ नबी हमने आपको दाई बनाकर भेजा है और आपको सिराजम मुनीरा बनाकर भेजा है। पांच औसाफ अल्लाह ने जिक्र फरमाया। पहली चीज आप गवाही देने वाले थे, शाहिद बनाकर भेजा। दूसरी चीज मुबशिर, आप बशारत देने वाले थे। तीसरी चीज नजीरा, आप डराने वाले थे। चौथी चीज, चौथा औसाफ, वदाइयन, अल्लाह के नबी दाई थे, दावत इल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते थे। व सिराजम मुनीरा, और अल्लाह के नबी सिराजम मुनीर थे। पांच औसाफ अल्लाह ने जिक्र फरमाया। पहली सिफत शाहिद, गवाही देने वाला। अल्लाह के नबी ने किस चीज की गवाही दी? अल्लाह के नबी ने लोगों के दरमियान अल्लाह के बारे में गवाही दी। लोगों से कहा कि ऐ लोगों अल्लाह है, ऐ लोगों कुरान पर ईमान लाओ, कुरान के बारे में आपने गवाही दी, जन्नत के बारे में गवाही दी, जहन्नम के अजाब के बारे में गवाही दी, और मुबशिर आपको बशारत देने वाला बनाकर भेजा गया है। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के की दावत दी, तो जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, तो उन लोगों को अल्लाह के नबी बशारत देने वाले थे, नज़ीर, और जो लोग बुरे अमाल करते थे उनको डराने वाले और आप दाई। अब हमें ये देखना है कि जिस नबी के बारे में, जिस शख्स के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पांच औसाफ बयान किए हैं, तो उस शख्स के कैरेक्टर पर हम नजर डालेंगे, उसके किरदार पर नजर डालेंगे कि उसका किरदार कैसा था, वो जहां रहता था वहां के लोग उसको क्या समझते थे, क्या कहते थे, अच्छा था या बुरा था, सच्चा था या झूठा था। अगर आदमी किसी चीज के बारे में गवाही दे तो हम ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे, उसके बारे में पता करेंगे कि यह आदमी झूठा है या सच्चा है। तो अल्लाह के नबी का के कैरेक्टर का यह आलम था कि अल्लाह के नबी के सच्चाई के बारे में आपके दुश्मन भी गवाही देते थे। अबू जहल कहता था कि ऐ नबी, आपकी बात जो आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं, लेकिन ऐ नबी हमारे दिलों के अंदर वो बात नहीं बैठती है, हमें पसंद नहीं आती है, आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। आपको मक्का के अंदर अमीन और सादिक का लकब दिया गया था आपके अखलाक की वजह से। अबू सुफियान जो अभी ईमान नहीं लाए थे, रोम के बादशाह के सामने हिरक्लेस के सामने पेश किया गया, तो हिरक्ले ने सवाल किया कि ऐ अबू सुफियान, बुखारी शरीफ के अंदर ये वाकया मौजूद है, तो बहुत सारे सवालात किए अबू सुफियान से, तो उन सवालों में से एक सवाल उसने ये किया कि ऐ अबू सुफियान, तुम्हारे खानदान में जो नबी पैदा हुआ है, जो अपने आप को नबी कहता है, क्या कभी जिंदगी के अंदर उसको तुमने झूठ बोलते हुए देखा है? अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए थे, नबी के सबसे बड़े दुश्मन थे, जंग के मैदान में नबी के खिलाफ सरबराही कर रहे थे, कहने लगे नहीं, कभी भी हमने झूठ बोलते हुए नहीं देखा। अब इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि आपके सच्चाई के बारे में आपका दुश्मन भी गवाही दे। तो आइए देखते हैं कि क्या नबी के अंदर ये औसाफ मौजूद थे जो अल्लाह ने बयान किए। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा, ऐ नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है,
गवाही देने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह के नबी अल्लाह के बारे में गवाही देते हैं, और जब अल्लाह के बारे में गवाही देते हैं तो अल्लाह के नबी को जब नबी बनाया गया, नबुव्वत से सरफराज किया गया, तो अल्लाह के नबी इस तरीके से गवाही दे रहे हैं कि कोहे सफा पर चढ़ गए, सफा पहाड़ी पर चढ़ गए और आपने आवाज दी, अय मक्का के लोगों आ जाओ, आज तुमसे कुछ बातें करनी है, तुम्हें कुछ पैगाम देना है। तो उस जमाने में जब कोई आदमी कोहे सफा पर खड़े होकर बुलाता था तो उसकी बात को अहम माना जाता था। सारे लोग इकट्ठा हो गए, सारे लोग कोहे सफा के नीचे इकट्ठा हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय मक्का के लोगों 40 साल तक मैं तुम्हारे दरमियान रहा हूँ, तुम्हारे साथ मैं खाया हूँ, बैठा हूँ, सोया हूँ, तुम्हारे साथ रहा हूँ। अय मक्का के लोगों 40 साल जिंदगी के अंदर क्या कभी भी तुमने मुझे झूठ बोलते हुए देखा है? सारे लोगों ने कह दिया, अय मोहम्मद क्या बात करते हो, तुमने जिंदगी के अंदर कभी भी झूठ नहीं बोला। सारे लोगों ने गवाही दी, अल्लाह के नबी ने पैगाम सुनाया, अल्लाह के बारे में गवाही दी। आपने फरमाया, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, कह दो कि अल्लाह एक है, कामयाब हो जाओगे। अभी तक लोग कह रहे थे कि ऐ मोहम्मद आप सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते। लोगों को पता ये नहीं था कि मोहम्मद नबी बनाए गए हैं। अब जब लोगों को ये पता चला कि मोहम्मद हमारे माबूदों के खिलाफ बात कर रहा है, हम जिन बुतों को की पूजा कर रहे हैं उन बुतों की पूजा रोकने के लिए मोहम्मद कह रहा है, सारे लोगों ने कहा था मोहम्मद सच्चे हो, तो अब ये कैसे कह दें कि आप झूठ बोल रहे हो। सारे लोगों ने नजरें नीचे कर ली। अगर उस मजलिस से कोई आदमी उठता है तो आपका सगा चचा अबू लहब उठता है और कहता है, तब्बल्लका या मोहम्मद अली हादा जमातना, अय मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, तूने इसीलिए हमें यहां इकट्ठा किया था। कोई नहीं बोला, आपके घर का आदमी सबसे पहले आपकी मुखालिफत कर रहा है। अभी वहां अल्लाह के नबी खामोश रहे, आपने कुछ नहीं कहा, घर पे चले आए, लेकिन अल्लाह ने आपका दिफा किया, अल्लाह ने आपका दिफा किया। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अय मेरे नबी को बद्दुआ देने वाले, अय मेरे नबी को बर्बादी की बद्दुआ देने वाले, तेरे हाथ पैर टूट जाए, तू बर्बाद हो जा। और ये सूरत अल्लाह ने पूरी नाजिल कर दी, और कयामत की सुबह तक ये सूरत हर मुसलमान पढ़ता रहेगा और अबू लहब पर बद्दुआएं करता रहेगा। अल्लाह के नबी ने गवाही दी। कभी कभी गवाही देने वाले का मेयार इतना बुलंद होता है कि कोई भी बात वो कह दे तो लोग फौरन यकीन कर लेते हैं, चाहे देखें या ना देखें। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुछ लोग आए, कहने लगे, आए अबू बकर, अच्छा ये बताइए कि मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस यहाँ से जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर आज हम यहाँ से बैतुल मुकद्दस के लिए निकले तो कितना टाइम लगेगा? तो हजरत अबू बकर ने कहा कि उसमें पूछने वाली क्या बात है, 40 दिन लगेगा, एक महीना आने और जाने में लगेगा, मैं भी गया हूँ और आया हूँ लौट करके। लोगों ने कहा, आए अबू बकर ये बताइए कि कोई आदमी जो कल यहाँ मौजूद था और वो ये कह रहा है कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा से वापस आया हूँ, तो वो आदमी कैसा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अबू बकर ने झट से कह दिया, वो झूठा है, कज़्ज़ाब है। काफिरों ने कहा, आए अबू बकर, जो दावा करने वाला शख्स है वो तुम्हारा नबी मोहम्मद है। मोहम्मद ये दावा कर रहे हैं कि वो रातों रात मस्जिद अक्सा से लौट कर वापस आए हैं। तो अबू बकर ने फौरन कहा,
आए काफिरों सुन लो, अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा से वापस आया तो वो झूठा है, वो कज़ाब है। लेकिन अगर ये बात मेरे नबी ने कही है तो वो सच कहाँ है? यकीन कर लिया फौरन। अब सारे लोग ले गए सारे लोग अल्लाह के नबी के पास। हजरत अबू बकर गए और हजरत अबू बकर ने कहा, अरे नबी आप मस्जिद अक्सा गए हैं, देखा है मैंने, एक एक दीवारें देखी है, एक एक खिड़कियां देखी है, आप बताइए कौन सी खिड़की कौन सा खंबा कहाँ है, मैं तस्दीक कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद अक्सा का नक्शा रख दिया। हजरत अबू बकर पूछते थे ये खंबा कहाँ है, ये कहाँ है, ये खिड़की कहाँ है, अल्लाह के नबी बताते जाते थे। तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर से कहा, ऐ अबू बकर अंता सिद्दीक, आज से तुम सच बोलने वाले हो, तुम्हारा लकब सिद्दीक है। यहाँ से हजरत अबू बकर का लकब सिद्दीक हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जब आदमी सच्चाई पर हमेशा रहता है तो उसकी बात लोग फौरन यकीन कर लेते हैं। एक और वाकया शाहिद के बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं। जब आपने सारी बातें कर दी, पूरा खुतबा सुना दिया, तो आपने लोगों से पूछा कि ऐ लोगों, अल्लाह ने जो दीन मुझे देकर भेजा था क्या मैंने वो दीन मुकम्मल तरीके से तुम तक पहुंचा दिया है? अगर पहुंचा दिया है तो गवाही दो। सारे लोगों ने कहा, कालुमा जर्रबना इल्ला सिदका, ऐ नबी क्या बात करते हो, अल्लाह ने जो दीन आपको देकर भेजा था वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन हम तक पहुंचा दिया है, आप सच बोल रहे हैं और सच बोलने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बातें सुनी तो आपने आसमान की तरफ नजरें उठाई और ये दुआ की कि ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत गवाही दे रही है कि तेरा दीन मैंने इन तक पहुंचा दिया है, ऐ अल्लाह तू इनकी गवाही पर गवाह बन जा, ऐ अल्लाह इनकी गवाही पर तू भी गवाह बन जा। अल्लाह के नबी ने उनकी गवाही पर अल्लाह को भी गवाह बना दिया। अल्लाह के नबी गवाही देने वाले थे। दूसरी चीज, मुबशिर थे। अल्लाह के नबी नेक आमाल करने वालों को जन्नत की बशारत देने वाले थे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह के नबी के बारे में इस तरीके से आता है कि कभी अल्लाह के नबी खुशखबरी सुना रहे हैं, इन्ना लिल्मुत्तकीना मफाजा, ए मुत्तकियो खुश हो जाओ, ए ईमान वालों खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए जन्नत है। तो कभी अल्लाह के नबी सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना रहे हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुअ वनक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसि वत्तमरात, ऐ लोगो अल्लाह तुम्हें आजमाएगा डर से, भूख से, खौफ से, जानो माल की कमी से, जान ले करके माल की कमी से, फलों की कमी से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको आजमाएगा, तुम्हारा इम्तिहान लेगा। और इन लोगों में जो लोग सबर करें, वबशिरिस साबिरीन, उन लोगों के लिए जन्नत की बशारत है। अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी। तो कभी आप जन्नत की बशारत दे रहे हैं, मन قال لا اله الا الله دخل الجنه, आए लोगों जिसने कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वो जन्नत के अंदर जाएगा। कभी आप शर्त लगा रहे हैं, मन قال لا اله الا الله صدق للقلب دخل الجنه, जिसने सच्चे दिल से कह दिया अल्लाह एक है वो जन्नत में जाएगा। तो कभी आप खुशखबरी सुना रहे हैं, मम्मा तला युशरिक बिल्लाहि दखल अल्जन्ना, आए लोगों जिसकी मौत आई और इस हालत में मौत आई कि वो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता था वो जन्नत के अंदर जाएगा। तो कभी आप खुशखबरी सुना रहे हैं कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया के अंदर अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह के घर की तामीर की
भी कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अल्लाह के नबी बशारत दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं। एक मरतबा आपने ऐलान किया, ऐ लोगो कौन है जो अल्लाह के राह में सदका करे, खैरात करे, कोई एक तो उठे। अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम की जमात से कहा, ऐ सहाबियों तुम में से कौन है जो अल्लाह के राह में सदका करे, जरूरत है। हजरत उस्मान उठ गए, ऐ अल्लाह के नबी 100 ऊंट लिख लीजिए। 100 ऊंट लिख लिया गया। फिर आपने फरमाया कौन है जो अल्लाह के राह में सदका करे। फिर उस्मान उठ गए, कहा अल्लाह के नबी 100 ऊंट लिख लीजिए। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ उस्मान तुम नहीं उठना, तो उस्मान के सिवा कौन है जो अल्लाह के राह में सदका करना चाहता है। फिर उस्मान उठ गए, 300 ऊंट हो गया। यहां तक कि 7 मर्तबा आपने ऐलान किया और 7 मर्तबा उस्मान उठे, 700 ऊंट अल्लाह के राह में दे दिया। अल्लाह के नबी ने मिंबर पर खड़े होके ये ऐलान किया, जन्नत की बशारत दे रहे हैं कि मा जर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम कत्तुहु। आए अबू बकर सुन लो, आए उमर सुन लो, आए अली सुन लो, आए तमाम सहाबे किराम यहाँ बैठे हुए हो सुन लो, आज के बाद उस्मान कोई नेकी का काम करे या ना करे फिर भी वो जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाह के नबी जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं। ये नबी की औसाफ जो अल्लाह ने बयान की है वो पूरा सच साबित हो रहा है। मेरे भाइयों सहाबे किराम अल्लाह के राह में इतना सदका दे देते थे, आज हमारा हाल क्या है? जब दीन का मामला आ जाए, मदरसे या मस्जिद का मामला आ जाए, तो हम पीछे हटने लगते हैं। कहते हैं कि धंधा ही नहीं है, हमारे तिजारत में बढ़ोतरी नहीं है, कमी है, घाटा है, ये बहाना। और जब दुनियावी काम में लगाना हो तो पैसा ही पैसा है, और दीन का काम आ जाए तो पैसा ही नहीं है, ये आज हमारा हाल है। तो सहाबे किराम ऐसे नहीं थे, अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते थे। एक मर्तबा आपने ऐलान किया, एक मर्तबा अल्लाह के नबी खुशखबरी सुना रहे हैं कि ऐ लोगों जिसके घर में जिसकी 3 बेटियां हैं और उन 3 बेटियों की सही तरीके से तरबियत कर दी, दीन का इल्म सिखला दिया, अच्छे घराने में शादी कर दी, कल कयामत के दिन वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा। 2 उंगलियां आपने बताई, जैसे ये 2 उंगलियां साथ में है ऐसे ही वो जन्नत के अंदर मेरे साथ रहेगा। एक सहाबी रोने लगे, अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी मेरी 2 ही बेटियां हैं, मेरे बारे में क्या जन्नत की खुशखबरी नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ लोगो जाओ जिसकी 2 बेटियां हैं सही तरीके से तरबियत कर दी, इल्म सिखला दिया, अच्छे घराने में शादी कर दी, कल कयामत के दिन मोहम्मद के साथ 2 उंगलियों के जैसा जन्नत में रहेगा। एक सहाबी और रोने लगे ऐ अल्लाह के नबी मेरे बारे में क्या ख्याल है, मेरी 1 ही बेटी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ जिसकी 1 ही बेटी है वो सही तरीके से तरबियत कर दे, अच्छे घराने में शादी कर दे, मोहम्मद से जन्नत ले ले। जन्नत की बशारत दी जा रही है। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक अमल बता रहे हैं कि ये चीजें करो और ये चीजें करोगे जन्नत ले लो। हमारा काम है हम करें या ना करें। तीसरी चीज, तीसरी सिफत क्या है, तीसरा औसाफ क्या है? या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा। और अल्लाह के नबी नज़ीर थे, डराने वाले थे। किस चीज को के बारे में डराने वाले थे? सांप से, बिच्छू से? नहीं, अल्लाह के नबी बुरे अमाल करने वालों को जहन्नम के अजाब से डराने वाले थे, अजाब कब्र से डराने वाले थे। और आपने इस तरीके से लोगों को डराया, इस तरीके से डराया, इस तरीके से डराया कि आपने अजाब कब्र के बारे में इस तरीके से लोगों को बताया कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद के सामने जहन्नम का तस्करा किया जाता था नहीं रोते थे, लेकिन जैसे ही कब्र का तस्करा किया जाता था फौरन रोने लगते थे।
हजरत उस्मान गनी कब्र के पास जा कर के वहाँ रोते थे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते थे, अजाब कब्र से पनाह मांगते थे। एक मर्तबा लोगों ने सवाल किया, आए उस्मान जहन्नम के बारे में तस्करा होता है, तुम नहीं रोते हो? कब्र के बारे में तस्किरा होता है, क्यों रोने लगते हो? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, आए लोगो, आखिरत की पहली मंजिल कब्र है, जो इसमें पास हो गया तमाम मंजिलों में पास हो जाएगा, और जो इसमें फेल हो गया वो तमाम मंजिलों में फेल हो जाएगा। कभी अल्लाह के नबी लोगों को डरा रहे हैं तो इस तरीके से डरा रहे हैं कि आए लोगो सुनो, जहन्नम का आग इस तरीके से है कि अल्लाह ने जहन्नम के आग को 1000 साल तक गरमाया, सुलगाया, तो जहन्नम की आग सुर्ख हो गई। फिर 1000 साल तक गरमाया गया, जहन्नम की आग सफेद हो गई। फिर 1000 साल तक गरमाया गया, जहन्नम के आग को सुलगाया गया, फिर वो काली हो गई, स्याह हो गई, और आज भी काली है। आपने लोगों को डराया, ऐ बुरे आमाल करने वालों, ऐ नाफरमानियां करने वालों, सुन लो, जहन्नम के अजाब के बारे में जानना चाहते हो तो सुन लो, अगर जहन्नम के आग में सुई के बराबर सुराख कर दिया जाए, सुई के बराबर सुराख कर दिया जाए, और उसमें से जो आग निकले वो दुनिया के तमाम लोग उससे फना हो जाएंगे, कब दुनिया तबाह हो जाए पता ही नहीं चलेगा। एक सुई के बारे में सुराख करने से इतना खतरनाक आग है। कभी हमने गौर किया? कभी उस जहन्नम के अजाब के बारे में कभी हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम डरे? क्या उस जहन्नम के अजाब को सोच करके कभी हम गुनाह की तरफ नहीं गए? नहीं मेरे भाइयों, आज हमें कोई परवाह ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने लोगों को डराया, आप नजीर थे, जहन्नम के अजाब के बारे में डराने वाले थे। चौथा सिफत, चौथा औसाफ, वदाईयन इलल्लाही बिइज्निही, और अल्लाह के नबी दाई थे, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थे। अब इसके बारे में ये कहा जाए कि अल्लाह के नबी को जब से नबी बनाया गया तब से लेकर के मरते दम तक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते रहे। शुरुआत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक से अपनी दावत को शुरू किया और आखिरी टाइम तक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते रहे। शुरू शुरू में ज़ैद बिन अरकम के घर में अल्लाह के नबी लोगों को इकट्ठा करके वहाँ अल्लाह की दावत देते थे। 3 साल तक ज़ैद बिन अरकम के घर में रह करके अल्लाह के नबी ने अल्लाह का पैगाम सुनाया। फिर 3 साल के बाद अल्लाह का पैगाम आया, कुरान की आयत नाजिल हुई, वअंदिर आशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी सबसे पहले आप अपने खानदान के लोगों को डराइए, अपने करीबियों को डराइए, अल्लाह का पैगाम सुनाइए। फिर ज़ैद बिन अरकम के घर से निकलते हैं और निकल करके अल्लाह के नबी अपने तमाम खानदान के लोगों का नाम ले लेकर अल्लाह के नबी उनको डरा रहे हैं, या अब्दुल मुत्तलिफ अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, आए अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान के लोगों जहन्नम के आग से बचने की तैयारी कर लो, या अब्द मुनाफ अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या अब्द शमसिन अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या काब इब्न लव्विन अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, तमाम ख़ानदान के लोगों का नाम ले लेकर आपने उनको समझाया। अब यही नहीं बल्कि आपने अपनी फूफी सफिया को भी नहीं छोड़ा, अपनी फूफी सुमैया को भी नहीं छोड़ा, या सफियत बिन्त अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, ऐ मेरी फूफी सफिया जहन्नम के आग से बचने की तैयारी कर ले। आपने अपनी बेटी को भी अल्लाह का पैगाम सुनाया, या फातिमा बिन्त मुहम्मद,
या फातिमा तबिन्त मोहम्मद अल्किजु अन्फुसकुम मिनन नार, ऐ मेरी बेटी फातिमा जहन्नम के आग से बचने की तैयारी कर ले, दुनिया के अंदर जो मांगना चाहती है मांग ले, कल क़यामत के दिन तेरे काम नहीं आने वाला। पहले आपने खानदान के लोगों को अल्लाह के नबी ने समझाया, फिर कोहे सफा पर चढ़े, वहां पर अल्लाह के नबी ने लोगों को पैगाम सुनाया, फिर ताइफ में गए, मक्का के अंदर जब आप थक गए, लोगों को समझाते समझाते लोग नहीं बात मान रहे थे, तो फिर अल्लाह का पैगाम लेकर के ताइफ की तरफ गए कि शायद यहाँ के लोग अल्लाह का पैगाम मान ले, ईमान ले आए। अल्लाह के नबी जब ताइफ की गलियों में गए तो वहां पर आपने फरमाया, या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, ऐ लोगो कह दो अल्लाह एक है कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के नबी ने किसी से खाना नहीं मांगा था, किसी से ये नहीं कहा था कि मुझे मेहमान बना लो, किसी को गाली नहीं दी थी, किसी को मारा नहीं था, किसी को बुरा भला नहीं कहा था, बल्कि अल्लाह का पैगाम सुनाया था, लोगों को बुरा लगा। और उस ताइफ के बड़े बड़े सरदारों ने अवबाशों को, बदमाशों को अल्लाह के नबी के पीछे लगा दिया, वो बदमाश अल्लाह के नबी को पत्थरों से मारने लगे, इतना मारा इतना मारा कि अल्लाह के नबी का सर फट गया, खून निकला और जूते में जम गया। मार भी रहे थे पत्थरों से और अल्लाह के नबी को गाली भी दे रहे थे, आए मोहम्मद तू मजनू है, तू दीवाना है, तू पागल है, मार भी रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं, अल्लाह के नबी बेहोश है। आए लोगों, क्या नबी ने उनको गाली दी थी, क्या खाना मांगा था, क्या कुछ उनको कहा था, क्या चंदा मांगा था? नहीं, सिर्फ अल्लाह का पैगाम सुनाया था। लोगों ने मार करके मेरे नबी को बेहोश कर दिया। जैद जो अल्लाह के नबी के साथ थे ले गए एक बाग में, वहां पर आपके चेहरे पर पानी छिड़का। जब आपको होश आया, अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया, अरे जिब्राइल जाओ मंत्रियों की टोली ले लो, फरिश्तों की टोली ले लो, आग जो फरिश्ता बरसाता है पानी उसको ले लो, और पहाड़ों का जो कंट्रोलर है उसको भी ले लो। तमाम फरिश्ते नाजिल हो गए और कहने लगे, अरे नबी सिर्फ हाँ कह दो, आए नबी सिर्फ हाँ कह दो। दोनों पहाड़ों के बीच में रख करके ताइफ को पीस दिया जाए, इस दुनिया से नामो निशान मिटा दिया जाए। अगर अल्लाह के नबी चाहते तो सिर्फ हाँ कह देते, फौरन वो लोग बर्बाद हो जाते। मारा था उन्होंने, बेहोश कर दिया था। हम और आप होते तो बताइए क्या करते, कहते जाओ बर्बाद कर दो, हमारे हमारे बाप का क्या जाता है, हमारा क्या जाता है, जाओ बर्बाद कर दो। हम और आप होते तो ये कहते। आज हमारे और आपके अखलाक का ये आलम है, कोई गलती कर दे जिंदगी भर उससे दुश्मनी, खेत बिक जाएगा, दुकान बिक जाएगा, लेकिन मुकदमा नहीं छोड़ेंगे, उसको बर्बाद करके ही रहेंगे, ये हमारा हाल है। अल्लाह के नबी को मारा गया पत्थरों से, सिर्फ जुबान से कहते हाँ, फरिश्ते बर्बाद कर देते, लेकिन नहीं कहा। और फिर नहीं कहा, ये तो चलता, अल्लाह के नबी दुआ भी दे रहे हैं, बददुआ नहीं दुआ भी दे रहे हैं, हाथ उठा करके अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानती है कि मैं तेरा नबी हूँ, तेरा रसूल हूँ। अल्लाह के नबी अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहे हैं, और जब अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं तो मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, आप सब्र कर रहे हैं, लोगों को दुआएं दे रहे हैं। एक और वाकया, एक मरतबा आपको ये पता चला कि मक्का के अंदर साल में एक मरतबा मेला लगता है, बाजार लगता है बहुत बड़ा, और वहां से अरब से जो बाहर वाले मुल्क वाले हैं वो भी आते हैं, अरब के बहुत सारे शहर के लोग आते हैं मेला करने, बाजार करने। तो आप वहां भी पहुंच गए, उकास का मेला कहा जाता है। अल्लाह के नबी वहां पहुंच गए कि यहाँ भी अल्लाह का पैगाम सुनाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। वहां जब पहुंचे
तो अल्लाह के नबी ने सिर्फ यही कहा, या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, ऐ लोगों कह दो अल्लाह एक है कामयाब हो जाओगे। आपके अल्फाज यही थे, आपने यही कहा था बस। सारे लोग जो बाजार के अंदर कुफारो मुशरिकीन थे, सारे लोगों ने अल्लाह के नबी को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि हमारा नबी उसी बाजार के अंदर पड़ा है, बेहोश पड़ा है। लोगों ने अल्लाह के नबी को इतना मारा कि नबी उकास मेले में बेहोश है। एक आदमी ये देख रहा था, जाकर के आपकी छोटी सी बेटी, 4 साल की बेटी हजरत फातिमा को बताता है, अय फातिमा तेरे बाबा को उस उकास मेले में, उकास बाजार में इतना मारा गया है कि तेरे बाबा बेहोश हैं। फातिमा 4 साल की बच्ची मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रही थी, सुनती है मेरे बाबा बेहोश हैं, फौरन दौड़ती हुई आती है, देखती है मेरे बाबा बाजार में बेहोश पड़े हैं, आती है और अल्लाह के नबी का खून साफ करने लगती है, अपना दुपट्टा उतारती है और खून साफ करने लगती है और आंखों से आंसू गिर रहा है। गौर कर सकते हैं आप, 4 साल की बच्ची अपने सर से दुपट्टा उतार रही है, यहाँ 18 साल की लड़कियां, 20 साल की लड़कियां जवान हैं, दुपट्टा सर पर है ही नहीं, कंधे पर दुपट्टा है, सर पर है ही नहीं है दुपट्टा। ये आज हमारा हमारी तहजीब है, आज हमारी माएं और बहनें इस तरीके से हैं। वो 4 साल की बच्ची, 4 साल की सोच सकते हैं आप, इतनी बड़ी होगी दुपट्टा ओढ़ रही है। अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ है कि ऐ मुस्लिम खवातीन पर्दा करो, उससे पहले ये हाल है नबी की बेटी का। हजरत फातिमा दुपट्टा उतारती हैं, खून साफ करने लगती हैं, आंखों से जो आंसू गिरता है अल्लाह के नबी के चेहरे पर पड़ता है, अल्लाह के नबी को होश आ जाता है, अल्लाह के नबी होश में आ जाते हैं। अल्लाह के नबी जब होश में आते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरी बेटी रो रही है और मेरी बेटी रोते हुए तमाम लोगों से कह रही है कि ऐ लोगों, आज तुमने मेरे उस बाबा को मारा है जिसने जिंदगी के अंदर कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, ऐ लोगों, आज तुमने मेरे उस बाबा को मारा है जिसने जिंदगी के अंदर कभी भी झूठ नहीं बोला, जो सादिक है, जो अमीन है, जिसका अखलाक इतना बुलंद है। अल्लाह के नबी ने देखा मेरी बेटी रो रही है और रो करके लोगों से ये कह रही है, अल्लाह के नबी से रहा नहीं गया और आपने फरमाया, आए लोगों सुन लो, जिस कौम ने मेरी बेटी को रुलाया है वो कौम कभी भी फलाह नहीं पा सकती, कामयाब नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहे हैं और लोग आपको मार रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई थे, दाईयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजन मुनीरा, अल्लाह के नबी अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने वाले थे। आखिरी सांस तक अल्लाह के नबी लोगों को बुलाते रहे, ऐ लोगों अल्लाह की तरफ आ जाओ, ऐ लोगों ये काम कर दो, ऐ लोगों ये नेक अमल कर दो, ऐ लोगों नमाजें पढ़ो, ऐ लोगों सब्र करो, ऐ लोगों मुत्तकी बनकर रहो, बुलाते रहे लोगों को, यहाँ तक कि मौत का आखिरी टाइम है, मौत का आखिरी टाइम है, सांसें एकदम धीमी चल रही है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब कभी तारी है, कभी चादर ओढ़ रही हैं, कभी अपने चादर को अपने मुंह से हटा रहे हैं, उस आलम में भी अल्लाह के नबी ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, उस आलम में भी अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया, अस्सलाह औ मा मलकत अयमानुकुम। जब कान लगाया गया तो अल्लाह के नबी कह रहे थे, ऐ मेरे उम्मत के लोगों नमाज का ख्याल रखना, नेक अमल की तरफ अभी आखिरी टाइम है, जुबान सही से आदमी निकल नहीं रहा है अल्फाज, उस टाइम पर भी क्या कहा था अल्लाह के नबी ने, अस्सलाह ऐ लोगों नमाज का ख्याल रखना। अब इससे ज्यादा नमाज की फजीलत और क्या हो सकती है, बेनमाजी जो है उन्हें शर्म आनी चाहिए जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नबी का मानने वाला कहते हैं। तो मेरे भाइयों कहने का मतलब ये है कि जो औसाफ अल्लाह ने बयान किए हैं वो सारे औसाफ अल्लाह के नबी के अंदर मौजूद, आखिरी औसाफ, आखिरी सिफत,
सिराजम मुनीरा, हमने आपको सिराजम मुनीर बनाकर भेजा है। ये दुनिया का सूरज और वो जमीन व आसमान का सूरज, ये आफ्ताब आलम है और अल्लाह के नबी सिराजम मुनीर थे। ये आफ्ताब आलम जब चमकता है तो अंधेरा दूर हो जाता है, अल्लाह के नबी सिराजम मुनीर जब चमकता है तो गुनाहों का अंधेरा दूर हो जाता है, जुल्म व सितम का अंधेरा दूर हो जाता है। ये सिराज, ये आफ्ताब आलम जब निकलता है तो तारे गायब हो जाते हैं, लेकिन जब वो सिराजम मुनीर चमकता है तो सारे नबियों की शरीयतें मनसूख कर दी जाती है, अल्लाह के नबी की शरीयत को माना जाता है। जब सिराजम मुनीर चमका तो सारे नबियों की शरीयतें मनसूख कर दी गई। ये सूरज जब चमकता है तो दिन में रात में गायब हो जाता है, सिराजम मुनीर दिन और रात दोनों में चमकता है। ये अल्लाह के नबी के औसाफ थे। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर हमें और आपको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की थी। अल्लाह के नबी ने हमें और आपको मोमिन बनकर रहने की अल्लाह के नबी ने कोशिश की थी, लेकिन आज हम अल्लाह के नबी के बातों को ठुकरा रहे हैं। मेरे भाइयों, आइए आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हम तमाम लोगों को नबी के उसवे हसना पर चलने की तौफीक दे। और आपसे एक गुजारिश ये है कि आप आए हैं तो रात भर नफिल पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए। बस ये रात जो है यही सारी चीज़ें कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हमें इसकी तौफीक दे। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल